Namaskar. Before I start talking on my topic, Natural Farming and Art of Healthy Living in India, I first wish to extend my heartiest thanks, the thanks from the government of Himachal Pradesh to the organizers of Agri 2020, which is being organized under India International Science Festival 2020. Really, you have given us an opportunity to speak the work of himachal pradesh which is unique in its form in its format to bring it before a wider audience around the world i am really thankful to you so now let me introduce myself i am professor rajeshwar singh chandel and presently i am looking after a scheme a very flagship scheme of government of himachal pradesh that is prakriti kheti khushal kisan yojana which aims at doubling farmer income by 2022. We have taken the Subhash Palekar Prakriti Kheti as a medium to sustain our farming. This farming is cheap, it's non-chemical, and it has the capacity, which has already been described by Niti Aayog of India, that this technique has the capacity to double farmer income. It has been taken by the United Nation Environment Program as the regenerative agriculture. टेशन कारण क्या है कि आज हमें अल्टरनेटिव फार्मिंग सिस्टम पे सोचना पड़ रहा है तो जैसा हम सबके ध्यान में एवरीबॉडी नोज इट के पहले लो प्रोडक्शन थी फूड सिक्योरिस थी सिक्सटीज के वक्त में पूरे देश ने देखा है फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया ग्रीन रेवल्यूशन के बाद एक लोगों में संपन्नता बढ़ी उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंप्रूव हुई बट इसके साथ जो फर्टिलाइजर स्पॉन्सिव हाइल्डिंग वेराइटीज थी उसकी कल्टिवेशन शुरू हुई धीरे धीरे आपने देखा यू ऑल माइट बी नोइंग दैट फर्टिलाइजर का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया फसलों में सकुलेंसी लग्जूरियसनेस उनमें बढ़ती गई और जैसे जैसे लग्जूरियस सकुलेंसी बढ़ती गई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता गया और जब यह प्रकोप बढ़ने लगा तो कीटनाशकों का प्रयोग पहले प्रयोग होना शुरू हुआ फिर प्रयोग होने के बाद इंडिस्क्रिमिनेट अनुचित प्रयोग होना शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारी जमीन में हमारे खाने में हमारे पानी में रेजिड्यू आने शुरू हो गए और अंत में जो टॉपिक हमारा है हेल्थ हजार्ड्स हमारी हमारी सेहत हमारे एनिमल्स की सेहत हमारे पक्षियों की और नेचर प्रकृति की पूर्ण रूप से ह्रास होना शुरू हुआ सॉयल हेल्थ का हम सबके ध्यान में है ही है कि आज 33 परसेंट के आसपास देश की जो भूमि है दैट हैज बिन डिक्लेयर्ड एज डिग्रेडेड और सबसे बड़ा जो फिर उसके बाद उसका परिणाम निकला कि 24 परसेंट तक हम एमिशन को देना शुरू हो गए जैसा मैंने पहले बताया कि जितने भी सिंथेटिक केमिकल थे जिनका हमने कृषि में प्रयोग करना शुरू किया इससे हमारी मिट्टी हमारा पानी हमारी हवा ये सब खराब होते गए और एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को इसके फर्क पड़ता गया इससे धीरे धीरे सॉयल की जो फर्टिलिटी थी वो कमजोर होती गई और सबसे बड़ा नुकसान जो हम सबके ध्यान में आया हम मोनोकल्चर पे गए जो हमारा पुराना कल्चर था एक ही समय में एक ही खेत पर हमारी कई फसलें होती थी परंतु हम मोनोकल्चर पे गए बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होना शुरू किया पानी का प्रयोग बहुत स्तर पे बढ़ा और एक जो और खतरा इस हमारे सामने अब आया है कि नाइन्टी जो हमारा भोजन है वो उस जमीन से आ रहा है जिस जमीन में सैंतीस माइल स्क्वेयर प्रति वर्ष जो मिट्टी है उसका इरोजन हो रहा है एक और रिस्क हमारे सामने आया एक और खतरा जिसको हम बोल सकते थे कि हमारा जो किसान था वो क्रेडिट रिस्क पे आ गया वो बैंकों के जो डेट साइकिल था उसमें फंसना शुरू हो गया अभी दुनिया में लगभग ढाई बिलियन लोग जो है वो स्मॉल होल्डर फार्मिंग में इन्वॉल्व है और लगभग 80 परसेंट जो हमारा खाना आता है वो इन्हीं स्मॉल होल्डर के खेतों से छोटी खेती से आता है और इस इस तरह से इससे इंश्योर होता है कि दे आर द इंटेग्रल टू तो एड्रेस द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंज विच विल कंपाउंड मल्टीफोल्ड बाय 2050 इसका मतलब स्मॉल होल्डर को आज की देखने आज के समय में देखना हमारी मूल आवश्यकता बनती जा रही है अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी है उसमें कहा है ये बड़ी अलार्मिंग है कि 50 प्रतिशत से ऊपर जो हम खाने की चीजें खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कार्सिनोजेनिक है यानी जो हमारी सेहत को जहर मिल रहा है वो इसमें है साउथ बंगाल की एक रिपोर्ट आई है जो आईआईटी खड़गपुर ने कही है कि 20 मिलियन पीपल जो हैं और जो कलकत्ता और उसके आसपास रहते हैं उनको पेस्टिसाइड की हाईडोजिज वाला जो पानी है वो उनको हुगली रिवर से मिल रहा है इस एक्सटर्नल यू इनपुट से जितनी हम इनपुट्स बाहर से अपने खेतों में जा रहे डाल रहे हैं और हाइब्रिड चाहे हाइब्रिड सीड्स हैं चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड वराइटीज हैं इन सब के कारण जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इरोड हो रही है और इन जो इसके कारण इस मोनोकल्चर के कारण उनकी जो क्षमता थी कि बदलते जो मौसम का बदलाव हो रहा है उसके अनुरूप वो अपने आप को इस प्रकृति में टिकाएं वो कैपेसिटी उन फसलों की खत्म हो रही है भारतवर्ष में इस कन्वेंशनल फार्मिंग का मैं कुछ और दुष्प्रभाव आपके सामने रखूंगा एक रिपोर्ट के अनुसार हम भारतीय जो खाना खा रहे हैं इसमें जो हाईएस्ट टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स हैं उनके रेजिड्यू हमारे अंदर जा रहे हैं एंड दीज आर नाउ रिजल्टिंग इन आवर एक्सपोजर टू द वेरी सीरियस डिजीजेज लाइक हार्ट अटैक ब्रेन किडनी एंड लिवर डैमेजेज एंड इवन कैंसर कुछ स्टडीज ने तो इतना कहा है हालांकि दीज आर वेरी स्केयर स्टडीज दैट जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही मां के दूध के साथ कुछ कीटनाशक उसके अंदर जाते जा रहे हैं ऐसा ही कुछ और मुसीबतें दिक्कतें इस खेती में आ रही है इस खेती पद्धति से आ रही है जैसे कुछ इन्वेसिव पेस्ट जो बहुत खतरनाक है बहुत से कीटनाशकों के लिए उनमें रेजिस्टेंस आ चुका है या वो नहीं कर रहे हैं जैसे टूटा प्सूलिटा है फॉल आर्मी बर्म है ऐसे कीड़ों का भारत में उदय हुआ है जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान कर रहे हैं अब हमें वाई वी सीख द बाइबल ऑप्शन इन सब समस्याओं से लगता है कि आज देश के किसान को एक वाइबल ऑप्शन चाहिए जहां उसकी खेती अच्छी हो सस्टेन करे उसकी प्रोडक्शन बढ़े प्रोडक्टिविटी बढ़े और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटे घटे जैविक खेती एक प्रोमिजिंग अल्टरनेटिव है बट क्या हम फार्म यार्ड को इतना अवेलेबल कर पाएंगे क्योंकि पर हाउस होल्डर होल्ड जो, होल जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उसकी कमी आ रही है और इसलिए हमें एफ की उतनी क्वांटिटी अवेलेबल पर फैमिली नहीं हो पाएगी और जब एफ की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती हम द्वारा शिफ्ट डिपेंडेंट डिपेंडेंसी जो हमारी वो केमिकल फर्टिलाइजर पे बढ़ती जा रही है और ओवर यूज ऑफ एग्रोकेमिकल से एग्रोकेमिकल के ज्यादा प्रयोग से हमारे सॉइल में जो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, उसकी आपूर्ति भी पौधों को बाधित हो रही है इसीलिए इसी सारे प्रोसेस में एक सुभाष पालेकर जिनको भारत सरकार ने उनके काम के लिए पद्मश्री से सुशोभित किया है उन्होंने एक अलग थ्योरी दी ही वर्क फॉर एटलीस्ट थर्टी ईयर्स ऑन हिज फार्म एंड केम आउट न्यू फार्मिंग मेथोडोलॉजी विच विच इज नोन एज सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से उनका कहना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक जो है वो नेचुरल नहीं है जो वर्मी कंपोस्ट का यूज है जहां हम आइसिनाफर्टिडा नाम के एक विगलर जो है रेड विगलर इसको प्रयोग करते हैं ये भूमि में बायो मास को खाता है ये एनिमल की कास्टिंग को खाता है और लगातार अगर हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं देन इट एड्स कैडमियम मार्सनिकल लेड एंड मर्करी लाइक पॉइजनस हैवी मेटल इन दो सॉयल एंड दस डिस्ट्रॉइंग द सॉइल एंड ह्यूमस ह्यूमन हेल्थ दूसरा इसमें विषय आता है कि जो आइसिना फोर्टिडा नामक इसमें हम कैंचुआ प्रयोग करते हैं वो न जमीन को खाता है ये केवल जो हमारी एनिमल्स की कास्टिंग है जीवाणुओं की कास्टिंग है भूमि में बायो मास है उन्हीं जो ह्यूमस क्रिएट करते हैं उनको खाता है अगला विषय उन्होंने कहा कि आइसिना फोटेडा जो है उस जमीन को खोद नहीं सकता ये ज़मीन की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको वो बचा नहीं सकता ये जमीन को खोदता नहीं है और ये कभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प नहीं करता और ये स्वायल के अंदर में एक वाइडर इकोसिस्टम है जहाँ जीवाणु काम करता है जहाँ केंचुआ काम करता है जहाँ बैक्टीरिया काम करते हैं जहाँ हमारा डिफरेंट एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं उसको इम्प्रूव नहीं करता ये सॉयल की जो कंपैक्टनेस है जो सॉयल हमारी सख्त हो रही है उसको ये लूज नहीं करता इस तरह से सॉयल इरिएशन को नहीं बढ़ाता और सॉयल के अंदर जीवाणुओं की जो डाइवर्सिटी है उसको भी ये मेंटेन नहीं कर पाता तो ये सुभाष पालेकर जी आसिना फोर्टिडा के बारे में जो वर्मी कंपोस्ट में हम यूज करते हैं उसके बारे में उनका वर्जन है यद्यपि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती है लक्ष्य उसका भी एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ऑल्सो होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम दैट अवॉइड यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मिनिमाइज पॉल्यूशन ऑफ एयर सॉयल एंड वाटर एंड ऑप्टीमाइजेज द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटर डिपेंडेंट कॉम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल उद्देश्य वही है कि बिना किसी रसायन के खेती करनी और उस खेती में उस खेती द्वारा ना जमीन का ना वायुमंडल का ना वायु का ना पानी का हरास हो मनुष्य की सेहत को नुकसान ना हो और प्रोडक्शन बढ़े और जो वहां पे जितना इकोसिस्टम है वो इंटरडिपेंडेंट आप होकर आपस में काम करे भारतवर्ष की मिट्टी में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में जो अर्थवर्म होता है जो हमारा लोकल कैंचुआ है वो क्या करता है इट इज ए वॉर्म इव इन लोकल एनवायरमेंट इट सॉयल पार्टिकल सेंड पार्टिकल रॉ रेडिशोन पार्टिकल सेंड स्टोनिक मैटर एंड ये जमीन में जो कुछ भी है जो सड़ने को उसको खाता है और इवन डिजीज कॉजिंग जो पैथोजन है उनको भी खाता है ये जमीन को गहरा खोदता है पंद्रह फीट तक ये नीचे खोदता जाता है जमीन में ऊपर और नीचे जाके जमीन में हजारों हजारों में होल बनाता है ये जो डीप मिनरल ये जो मिनरल्स हैं सॉयल में इनको ये सरफेस के ऊपर लाता है और जमीन में जड़ों को उन न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाता है दूसरा जमीन के में ये जो वर्षा का जल है उसको संग्रहित करने में सहायता करता है इट मेक्स अ न्यूट्रिय अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ वेजिटेशन स्टोर द इन वाटर इन द सॉयल एंड जो इसकी कास्टिंग जो जमीन पे आती है उसमें एन पी के कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन सल्फर कॉपर जिंक बोरोन मोलवेडियम और सब जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो संख्या है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो जमीन में ज्यादा होती है अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जो देसी कैचु है किसी भी भयंकर स्थिति में जब पानी कम है वर्षा नहीं हो रही है दैट इज ड्यूरिंग डर्थ ऑफ फीडिंग मटीरियल ये भागता नहीं है वहां से बट मूव्स टू डीप मॉइस्ड सॉयल एयर इन डोरमेंसी डोरमेंसी में चला जाएगा परंतु उस जमीन को नहीं छोड़ेगा और अंडर नॉर्मल कंडीशन द माइक्रो ऑर्गनिज्म काउंट इन वन ग्राम ऑफ सॉइल रिमेन्स फिफ्टी फोर लैक्स सो वी कैन हियर लुक एट दैट हाउ इट मेंटेन्स द इकोसिस्टम ऑफ द सॉयल और जो इसकी कास्टिंग है जैसे मैंने कहा डिफरेंट मेजर और माइक्रो न्यूट्रिय का मैंने पीछे नाम लिया इसमें तेरह परसेंट ज्यादा माइक्रोनिज्म में होते हैं और ये सभी माइक्रो ऑर्गेज्म जो हैं दे हेल्प इन ह्यूमस फॉर्मेशन एंड एंडम्पोजिशन ऑफ द कास्ट मटेरियल तो इसका मतलब क्या हुआ इट मीन्स द लोकल अर्थव आर द ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑफ द न्यूट्रिय विच ब्रिंग दम फ्रॉम डीपर सॉइल टू द अपर सरफेस बाय मीन्स ऑफ कास्टिंग यानी मुख्य सप्लायर न्यूट्रिएंट को का जमीन से पौधों के लिए है तो ये फेरिटिमा इरनगेटा एनल्पिटो मोरिशी मोरिशी ये दो स्पीशीज हैं जो भारतीय कंडीशन के केंचुए हमारी जमीन में आमतौर पर मिलते हैं जैसा मैंने पहले कहा कि आज हर घर में पशुओं की संख्या कम हो रही है इसलिए अवेलेबिलिटी जो फार्मिंग आर्ट मनोर की है जो मार्गेनिक फार्मिंग में रिकमेंड करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी का प्रभाव निश्चित रूप से खेती पर पड़ रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन जो रिकमेंडेशन हमारी टेन टन पर एकर ऑफ एफ वाई एम है बट देर इज वन अनदर क्वेश्चन जब किसान एफ वाई एम को और या वर्मी कंपोस्ट को फार्म पे फैलाता है तो इसका फोर्टी सिक्स भाग जो इसका कार्बन है वो वोलेटाइल रहता है जब टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो स्टेबल कार्बन दैट टर्न्स इनटू द अनस्टेबल एंड बियॉन्ड 36 डिग्री सेंटीग्रेड इट बिकम्स बुलाटाइल इसका मतलब है देश के अधिकतर भागों में हमारा टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है तो उस समय जितना भी एफ आई से हमने कार्बन जमीन में दिया ये बुलाटाइल होकर वातावरण में जाकर क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है जनरली एक पहाड़ों के लिए एक विश्वास है कि यहां केमिकल का प्रयोग कम होता है परंतु हिमाचल प्रदेश की मैं स्थिति बताऊं हमारी मेजर एप्पल ग्रोन स्टेट है ऑप्शन वेजिटेबल क्रॉप स्टेट है एवरेज आठ स्प्रे पर क्रॉप सीजन हम सेब पे कर रहे हैं पांच से सात स्प्रे हम कॉलीफ्लावर कैप्सिकम और टोमेटोज पे कर रहे हैं और तेरह से अठारह पोमग्रेनेट में कर रहे हैं स्थिति अब हिमाचल प्रदेश की है और जो कुछ अखबार की कतरने द न्यूज आइटम्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द सदर्न रीजन ऑफ द कंट्री ये हिमाचल प्रदेश में भी आना शुरू हुआ है कि कलर स्प्रे से ज्यादा झड़ रहे फल ये वो पेस्टिसाइड हैं जो रिकमेंडेड नहीं है अप्रूव नहीं है बट स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट पेस्टिसाइड रेजिड्यू की सिचुएशन को मैं कुछ हिमाचल प्रदेश में बताना चाह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में 3.47 परसेंट जो पेस्टिसाइड जो हमारे डिफरेंट फूड कॉम्युनिटी के सैंपल हैं उसमें 3.5 परसेंट के आसपास सैंपल ऐसे हैं जिसमें रेजिड्यू लेवल एम से ज्यादा है देश भर में ये 2.4 परसेंट है कंपेयर टू यूएसए एंड यूनाइटेड यूनियन यूरोपियन यूनियन में ये पांच पांच परसेंट है परंतु तो हिमाचल प्रदेश में ये लेवल ऊपर जा रहा है ये आगे आने वाले दिनों में दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस कुछ बेस्ट प्रोवन अल्टरनेटिव हैं हमें जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है इंडिया नेशनल डिटर्मिन जो कंट्रीब्यूशन आई हैं इसमें हमने ये कमिट किया है कि हम 35 परसेंट तक एमिशन को घटाएंगे बाय 2030 सो so हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेथड ऐसे अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे दैट हाउ वी कैन रिड्यूस दिस एमिशन एंड एटलीस्ट थ्रू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस subhash palekar natural farming how it helps doing mitigating all these issues subhash palekar natural farming or also known as jbnf this is one of such low input climate resilient type of farming that encourages farmer to use low cost locally sourced inputs eliminating the use of artificial fertilizers and industrial pesticides यानी किसी भी केमिकल का यूज नहीं करना है और जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्लाइमेट रेजिलेंट है पालेकर थ्योरी बोलती है कि दिस फार्मिंग इज इन हारमोनी विद नेचर ये प्रकृति के साथ समन्वय बना के चलती है ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड एक्सटर्नल इनपुट बेस्ड फार्मिंग सिस्टम था उससे कंप्लीट पैराडिम शिफ्ट है पालेकर जी ने इसको 25 साल पहले अपने फार्म पे लगभग 30 साल काम करके एक फिलोसफी से वर्कआउट की थी ही आइडेंटिफाइड फोर व्हील्स विच रिक्वायर्स लोकली अवेलेबल मटेरियल दैट इज सी ट्रीटेड विद विथ डंग एंड यूरिन दिस डिकॉक्शन इज नोन एज बीजामृत बीजामृत से बीज का संस्कार करना इससे सॉयल विद विथ डंग यूरिन एंड अदर लोकल मटेरियल टू इंक्रीज माइक्रोब्स दैट इज Jivamrit and Ganjivamrit. Again, this Jivamrit and Ganjivamrit also made out of the cow dung and urine with addition of small locally based inputs. Third one is cover crops, straw, and other organic matter to retain soil moisture and build humus. It is known as Achadan. Achadan means to cover whole of the cultivated soil by dry mulch or by the live mulch.

इट कन्वर्ट इन टू दर्गेनिक कार्बन इन दॉल एंड लास्ट वन इज देशन फॉर कंडीशन वापस और वायु का मिश्रण जो है पचास पचास प्रतिशत रहना चाहिए पालेकर पद्धति में जो हमारे अभी तक एक्सपेरिमेंट हुए हैं लगभग नब्बे हजार से ऊपर किसान आज इस पालेकर विधि से हिमाचल में जुड़ा है जब हम चारो व्हील्स को 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 इन इन प्रिंसिपल जो किसान पूरा फॉलो कर रहा है उसमें उसकी ईड भी बढ़ी है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और साथ में उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन न्यूनतम गई है दैट हैज बीन रेड्यूस टू द मिनिमम इस स्लाइड में मैं कुछ फील्ड फोटोग्राफ दिखाऊंगा जहां पे हम सुभाष पाले के नेचुरल फार्मिंग को कर रहे हैं यहाँ एप्पल में हाई डेंसिटी हिमाचल प्रदेश में अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बहुत लेवल पर फार्मर पे शिफ्ट हो रहा है इसको भी हमने सुभाष फार्मिंग से सक्सेसफुली तैयार किया है ये वाई एस यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंडस्ट्री उनका रिसर्च स्टेशन है कंप्लीटली कन्वर्ट दियर कन, कन्वर्टेड दियर फार्मी एन एफ विद द गुड एंड गुड प्रोडक्टिविटी अभी आप देखें ये हमारे रिसर्च के कुछ ट्रायल्स हैं जो पीएचडी स्टूडेंट नॉन यूनिवर्सिटी में ट्रायल कर रहे हैं तब उस समय के गवर्नर आचार्य देवव्रत इस फील्ड में, में विजिट करते थे बट सक्सेसफुली वेजिटेबल पर भी काम किया है चल रहा है अभी आपको कुछ मैं डाटा दिखाऊंगा कि कैसे हमारे इस जेडबीएनएफ सिस्टम में और कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम में कैसे बैक्टीरिया फंजाई एक्टिनोमाइसिट्स बढ़ रहे हैं आप देखेंगे कि बिफोर सोइंग एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग तीन परसेंट बढ़ा है फंजाई साढ़े बारह परसेंट और एक्टिनोमाइसिट्स साढ़े बारह परसेंट बड़े हैं वैसे केमिकल फार्मिंग में वन पॉइंट सेवन टू इनक्रीज है साढ़े चार परसेंट फंजाई में है और लगभग सिक्स परसेंट एक्टिनोमाइसीड्स में है तो हाउ इट इज एनरिचिंग दॉल दिस इज द विजिबल फ्रॉम दिस डेटा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एंजाइम एक्टिविटीज जो है वो बढ़ रही है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में टू केमिकल फार्मिंग डीहाइड्रोजनस परसेंट साढ़े सात परसेंट साढ़े दस परसेंट परंतु वही चेंजेस केमिकल फार्मिंग साढ़े चार परसेंट डेढ़ परसेंट साढ़े पांच परसेंट है यानी ये जो एंजाइम्स हैं, ये डिपिक्ट करते हैं कि भूमि में हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या कितनी है इसमें यील्ड देखें आप बी एन एफ जिसको SPNF भी हम कहते हैं पालक और प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के मुकाबले में ईल्ड भी बढ़ रही है ये इसे होता है एक्टिविटीज कैसे बदल रही हैं तीनों फार्मिंग टेक्निक्स में इस स्लाइड में आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि जो टूटा लूटा जैसा पेस्ट है भारतवर्ष में 2015 में एंटर किया है और इतना घातक है कि पोलियोस कंडीशन में 100 प्रतिशत और बाहर की कंडीशन में लगभग अस्सी प्रतिशत तक ये टमाटर को नुकसान कर रहा है परंतु तो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में इसका क्या फर्क पड़ रहा है इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊंगा कि सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में जो एंट्री टोटा की हुई है वो लगभग दो हफ्ते लेट हुई है और अंडर नॉर्मल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो ऑर्गेनिक में करते हैं जो केमिकल में करते हैं और जो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में करते हैं इसकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम रही है ये ये नेक्स्ट ईयर का है नेक्स्ट ईयर में दो हफ्ते लेट एंट्री हुई है और पॉपुलेशन जो है वो मैनेजेबल लेवल पे रही है इसी तरह दूसरा लिरोमाइजा का है लिरोमाइजा में हालांकि एंट्री एकदम हुई परंतु पॉपुलेशन नीचे रही है जहां अंत में पॉपुलेशन ऊपर जा, जाना शुरू हुई वहां हार्वेस्टिंग क्रॉप की साथ आना शुरू हो गई उन्नीस में देखें आप इसी तरह जो एक्सपेंडिचर है इनकम और नेट प्रॉफिट कन्वेंशनल ऑर्गेनिक और एसपीएनएफ में है वो मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताऊंगा कि पर बीघा जो केमिकल फार्मिंग में नेट प्रॉफिट हुआ वो चौबीस हजार दो सौ नब्बे है ऑर्गेनिक में छत्तीस हजार है और एसपीएनएफ में तीस हजार है लेकिन एक्सपेंडिचर को अगर आप देखेंगे तो लगभग छः हजार में है साढ़े ग्यारह हजार के आसपास ऑर्गेनिक फार्मिंग में है नौ हजार दो सौ इकहत्तर जो है वो केमिकल फार्मिंग में है अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे दोनों कन्वेंशनल और केमिकल फार्मिंग में तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू परसेंट एवरेज नेट प्रॉफिट किसान का बड़ा है वीट का आप देखेंगे पिछले साल हिमाचल प्रदेश में येलो रस्ट की बहुत बड़ी दिक्कत हिमाचल प्रदेश में आई थी ये येलो रस्ट के कुछ प्लांट्स हैं सिक्सटी परसेंट जो हमारे फार्म थे उसमें कहीं येलो रस्ट नहीं थी एप्पल प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क आया है ये पूरे हिमाचल का डेटा है इसमें हर डिस ओवरऑल 11.24 से 11.65 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी गई है परंतु हर डिस्ट्रिक्ट में देर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन द फर्स्ट टू ईयर इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एप्पल वैसे ही कंपेनियन क्रॉप्स क्योंकि मैंने कहा था कि हम बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि सब में कंपेनियन क्रॉप्स के लिए फार्मर्स का इंटरेस्ट कितना बड़ा और शिमला जो हमारा मेजर एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट था उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है कंपेनियन क्रॉप के लिए बड़ा है ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं आप देख सकते हैं वेजिटेबल बेस्ड मॉडल्स हैं एंड एट द एंड अगेन विद आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस टू कम दिस माउंटेनियस स्टेट ऑफ द इंडिया टू लुक अवर नेचुरल फार्मिंग फार्म्स हाउ अवर फार्मर्स दे आर डूइंग वेरी गुड एग्रीकल्चर हाउ दे आर रिटेनिंग द कल्चर ऑफ एक्ट actual agriculture in this mountain state which have small holders and which has the potential to sustain the farmer livelihood for the future and giving a healthy life to him his family his environment and the country as a whole thank you very much namaskar